संसद के बजट सत्र में आज भी हंगामे के आसार। चेन्नई में पानी की कमी और राज्यसभा में पीएम मोदी के दिए भाषण पर हो सकता है हंगामा। विपक्ष पीएम के बयान पर मचा सकता है बवाल। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज। अमरनाथ गुफा में दर्शन कर सकते हैं शाह। अधिकारियों से मिलकर सुरक्षा का लिया जायजा। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद से मिलेंगे पार्टी नेता। सूबे में अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं 90 सीटों पर चुनाव। सनी देओल की संसद की सदस्यता पर मंडराया खतरा। बजट से ज्यादा खर्च के मामले में आज व्यय समिति पेश करेगी रिपोर्ट। ब्यौरे के बाद चुनाव आयोग ले सकता है संज्ञान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती है सीएम फडणवीस की मुश्किल। मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं को आज ही सुनेगा कोर्ट। बागियों पर गाज गिराकर मिशन क्लीन चलाएगी कांग्रेस। अल्पेश ठाकुर के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट पहुंची पार्टी। अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर आज होगी कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस ने कहा पार्टी छोड़ने के बाद अब विधायक पद भी छोड़े अल्पेश। आज से शुरू हो रहा है राजस्थान विधानसभा का सत्र। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरेगा विपक्ष। विरोध से बचने के लिए कांग्रेस ने तैयार की रणनीति। डिप्टी सीएम सचिन पायलट बोले हम पूरी तरह से तैयार। आम आदमी पार्टी के बागी एमएलए देवेंद्र सहरावत पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अयोग्य ठहराए जाने को लेकर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को दी चुनौती। कोर्ट ने आज सारे दस्तावेज दाखिल करने का दिया आदेश। सरकार ने पार्टी के खिलाफ काम करने को लेकर की थी कार्रवाई। आज से दो दिवसीय पाकिस्तान दौरे पर अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी। इमरान खान और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मुगलकालीन बादशाही मस्जिद भी जाएंगे अशरफ गनी। और आईसीसी वर्ल्ड कप में आज होगा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला। अब तक शानदार फॉर्म में चल रही हैं दोनों टीमें। वर्ल्ड कप में 1996 से वेस्ट इंडीज से नहीं हारा है भारत।